आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा फेसपैक शेयर करने जा रही हूँ जो आज से पहले आपने शायद कभी ट्राई नहीं किया होगा। ये एक ऐसा फेसपैक है जिसका रिजल्ट आपको इंस्टेंटली अपने फेस पे दिखाई देगा। लाइव रिजल्ट मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हर रेमेडी की अपनी एक रेसिपी होती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, क्या चीज़ कितनी ऐड करनी है वो हम सब चीज़ बताते हैं वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और एकमात्र ऐसा फेस पैक है जो इंस्टेंटली आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइट, हेल्दी कर देता है। कहीं भी शादी पार्टी में जाने से पहले आप इस फेस पैक को अप्लाई कर सकते हैं, और उसके 1-2 घंटे बाद आप आराम से जो भी मेकअप आपको अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी, ग्लोइंग एंड ब्राइट दिखेगी। मैं कहीं भी शादी पार्टी या कोई फंक्शन होता है तो इस फेस पैक को ज़रूर अप्लाई करती हूँ 1-2 घंटे पहले या 1 दिन पहले। और आप देखेंगे फर्स्ट टाइम में इसका जो रिजल्ट होता है ना, बहुत 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 ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और उसके बाद जब भी आप जो भी मेकअप करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है। जब आपकी स्किन अंदर से हेल्दी होती है तो आप जो भी मेकअप अप्लाई करते हैं वो अच्छा लगता है। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस फेस पैक को हमें किस तरीके से बनाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि ऑरेंज के छिलकों का जो पाउडर होता है मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से परचेस कीजिएगा, वरना मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार चेक कर लेना। तो 1.5 से 2 चम्मच आपको वो लेना है। अगर आप इस फेस पैक को चाहे तो नेक एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और हर एज ग्रुप के लोग इसे लगा सकते हैं। 12-13 साल के बच्चों को छोड़ के बाकी हर कोई इसे अप्लाई कर सकता है। एंड 1 चम्मच के करीब हम इसमें शुगर ले रहे हैं। ये छोटे दानों वाली शुगर है जो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाती है। शुगर का काम क्या होता है, स्किन पे एक तो हल्का हल्का स्क्रबिंग कर देते हैं। जब आप इस फेस पैक को बनाएंगे और तुरंत अप्लाई करेंगे तो ये आपके स्किन पे अच्छी तरीके से स्क्रबिंग का भी काम करेगा, प्लस थोड़ी देर बाद ये मेल्ट हो जाता है अच्छी तरीके से, तो आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग ब्राइट भी करता है। शुगर का काम होता है कि आपके स्किन पे जो डेड सेल होते हैं ना उनको ये ख़त्म कर देता है धीरे धीरे करके। ठीक है, अब हम इसमें 1/2 टमाटर, यानी कि जो उसका टमाटर का रस होता है, केवल वही यूज़ करना है हमें, उसका गूदा यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं, केवल रस रस हमें यूज़ करना है। टमाटर के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं स्किन के लिए। ये आपके स्किन से ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, रोम छिद्र में जो दाग धब्बे गंदगी जमा हो जाती है उसको ख़त्म करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है, ब्राइट करता है, टैनिंग को रिमूव करता है। तो टमाटर स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। अब हमने इसमें कस्तूरी हल्दी ऐड की है, चुटकी भर कस्तूरी हल्दी अगर आपके पास हो तो ऐड कीजिएगा, वरना आपके पास जो कुकिंग में हल्दी है वो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, या फिर जो साबुत हल्दी आती है, अक्सर आप लोग पूछते हैं कि दीदी हम क्या साबुत खड़ी हल्दी जो होती है उसको पीस के यूज़ कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, आप जो साबुत खड़ी हल्दी होती है उसको पीस के आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट कुकिंग में जो पैकेट वाली हल्दी आती है वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। कस्तूरी हल्दी कहाँ से मिलेगी उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाएगी आपको। मैं कौन सी यूज़ करती हूँ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देती हूँ। तो ये एकमात्र ऐसा फेस पैक है ना कि इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा औसम आता है। आप इसे फेस से लेकर हाथ पैर गर्दन, आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो चुकी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा दही ऐड करके इसे अपने पूरे फेस पे, पूरे यानी कि गर्दन पे, नेक एरिया पे और हाथ पैरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपने फेस पे इसे लगा रही हूँ, और फेस पे लगाने से पहले आपको अपने फेस को अच्छी तरीके से, जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं उससे आपको अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। और आप देख सकते हैं पीछे रुद्र जो है उदम करने में लगा हुआ है, वो जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो उसको आदत है कैमरे में आने की, तो वहाँ पीछे मैं बैठ कर वो अपना मस्ती कर रहा है और मुझे ऐसे ही बोल रहा था, क्वेश्चन करता रहता है, उसके दिन भर क्वेश्चन ही ख़त्म नहीं होते हैं, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन करता है वो, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो इसे आपको अपने पूरे फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है 2-3 लेयर में, क्योंकि एक बार लेयर जब आप लगाएंगे ना तो बहुत पतला लेयर होता है, तो इसे आपको 2-3 लेयर में अच्छी तरीके से लगाना है। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, फेस पैक लगाते समय ना हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हालांकि मैं आपको बहुत से वीडियोस में बता चुकी हूँ, आपको हल्की लाइन अपने आँखों के नीचे ना, अब ये मत सोचिएगा कि आँखों में चला जाए, एकदम पतला सा आप लेयर
आंखों के नीचे ज़रूर लगाइए, क्योंकि इससे ना अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपको फिर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम दिखने लगती है, यानी कि जिनको डार्क सर्कल नहीं होता है उनको भी दिखाई देने लगता है। जब आप कोई रेमेडी अपने फेस पे लगा रहे हैं तो आपकी स्किन पूरी ग्लो करने लगेगी, लेकिन जो आँखों के नीचे वाला एरिया है ना, अगर आप वो छोड़ देते हैं तो आपकी स्किन वहाँ से डल नज़र आती है, फिर ऐसा लगता है कि अरे आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो रहे हैं। तो ऐसा मत किया कीजिए, आँखों के नीचे हल्का सा लाइन लगाइए और किसी भी कॉटन वॉल की हेल्प से या कपड़े से, टिश्यू पेपर से उसको पहले क्लीन कर लिया कीजिए, सूखने से पहले, फेस वॉश करने से पहले उसको अच्छे से क्लीन कर लिया कीजिए, तो वो आँखों में जाने का जो डर है वो भी नहीं रहेगा। तो मैं किस तरीके से क्लीन करती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो अभी मैंने बालों को बांध दिया क्योंकि बालों से बड़ी दिक्कत होती है और मैं हमेशा ही फेस पैक लगाने से पहले ना भूल जाती हूँ बालों को बांधना। तो इस तरीके से एक कॉटन पैड इजीली आपको आप मार्केट में मिल जाता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट कितना अच्छा था। हालांकि ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ है, अगर आप इसे चाहे तो ज़्यादा देर तक लगाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैंने इसे पूरा टाइम तक नहीं लगा के रखा है, मैंने इसे केवल 8-10 मिनट ही लगाया था और आप इसका रिजल्ट देखेंगे मेरे फेस पे कितना ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से कॉटन पैड की हेल्प से आप अपने आँखों के नीचे से पहले क्लीन कर लिया कीजिए, अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तब भी आप इसे अप्लाई कीजिए, या फिर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को भी खत्म कर देगा। और वीक में इसे सिर्फ 2 बार ही यूज़ करना है, ये नहीं कि आप ये पूछेंगे डेली डेली लगा सकते हैं, तो जी नहीं, डेली डेली नहीं लगा सकते। एंड फर्स्ट टाइम में इसका जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं, मेरा फेस अभी बिल्कुल गीला है और मैंने डायरेक्ट आपको इंस्टेंटली इसका लाइव रिजल्ट दिखाया है गाइस। तो प्लीज़ इस रेमेडी को ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये रेमेडी ना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मैं इसे पर्सनली यूज़ करती हूँ। पर्सनली ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट रेमेडी है और इसको यूज़ करने के बाद ना आपको अपने स्किन से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो जाएगा, क्योंकि स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, स्मूथ लगती है। और इसके बाद आप अपना जो भी मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ कर सकते हैं, 1 घंटे बाद आप जो भी फेस वॉश करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ऑसम एवरीडे विद श्वेता नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिए। और बहुत 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 ही जल्दी हमारे चैनल पे गिव अवे आने वाला है और एक कुर्तियों का हॉल था यार, वो मैं जब से करने की सोच रही हूँ तब से उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो वो हॉल भी जल्दी आने वाला है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। और ऑसम एवरीडे भी श्वेता नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, प्लीज़ यार जल्दी से आओ, वहाँ पर फॉलो ज़रूर करो और वहाँ पर कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और यहाँ पर जो चैनल का नाम है वही हमारे ऑसम एवरीडे श्वेता नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है और फेसबुक पेज भी हमारा इसी नाम से है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लव यू ऑल।